नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे मैच नंबर 8 की CPL का, यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 8 की। ये मैच होगा 29 तारीख की रात लगभग 12 बजे, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम टाइम से अगर अकॉर्डिंगली देखें तो 30 अगस्त लग चुकी होगी, यानी 30 अगस्त का ये मैच रहेगा सुबह 12 बजे का, और दिन लग चुका होगा सोमवार का यानी मंडे। अब ये जो मैच होगा सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स वर्सेस गुआना अमेज़न वॉरियर्स के बीच में होगा। तो दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स की, जिसके कप्तान हैं दबने ब्रावो, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 अक्टूबर 1983। अब इनका अगर टोटल देख करके चले तो इनका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 2, यानी चंद्रमा का नंबर आ रहा है 2 नंबर। अब वहीं पे इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनका परफॉर्मेंस जो है इस मैच के दौरान काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। वहीं पे एफर्ट्स इनको बिल्कुल लगाने की आवश्यकता है और काफ़ी हद तक एफर्ट्स लगाएंगे भी, नो डाउट। काफ़ी हद तक ये हर एक तरह का प्रयास करने की कोशिश करेंगे अपने मैच को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं पे अगर हम सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स की बात करें, यानी टीम की बात करें, तो टीम का जो प्रदर्शन रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टअप बहुत अच्छा लेंगे, मिड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, मगर वहीं पे लास्ट के जो इनके 16 से 18 ओवर होंगे उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। कहीं ना कहीं इनको सडनली झटका लग सकता है, इनकी विकेट्स गिर सकती हैं, या आप यूं कह लीजिए कि जो जिस विकेट पे टीम का जो टीम टिकी होगी, जो मैच टिका होगा, वो विकेट हो सकता है वो लॉस हो जाए, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में परेशानी लगे। मगर फिर भी अपने आप को ये आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और स्कोर भी काफी हद तक अच्छा बना चुके होंगे। अब इसके अगेंस्ट खेलने वाली टीम यानी गुआना अमेज़न वॉरियर्स की बात की जाए तो उसके कप्तान निकोलस पूरन हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1995। अब वहीं पे टोटल की बात करें तो इनका जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 9 नंबर, यानी मंगल का नंबर। अब अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंस की, निकोलस पूरन की परफॉर्मेंस की, तो उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, मगर इनका परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे इनके परफॉर्मेंस में। वहीं पे अगर गुआना अमेज़न वॉरियर्स की बात करें तो गुआना अमेज़न वॉरियर्स का जो परफॉर्मेंस रहेगा काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, मगर 10वें ओवर के बाद इनका परफॉर्मेंस जो है धीरे 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 डाउन आना शुरू हो जाएगा, और ये अपना परफॉर्मेंस उठाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, ग्राफ जो है ऊपर बढ़ाएंगे, बट उस समय पर थोड़ा सा इनको स्कोर से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, यानी 17वें ओवर के बाद ये बैक इन मैच हो सकते हैं, यानी मैच में कम बैक कर सकते हैं। बट स्टिल अगर देखा जाए तो स्कोर जो है इनको बढ़ाने की साथ साथ बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। मैच जो है काफ़ी हद तक टक्कर का रहेगा। प्रिडिक्शंस करते समय इस मैच के लिए हम नहीं आज के थोड़ा सा कंपेयर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोनों के ही कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे थे, दोनों के लिए ही न्यूमेरिक नंबर्स जो है बहुत अच्छे आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शंस जो हैं आज के लिए इस मैच को लेकर के, तो गुआना अमेज़न वॉरियर्स जो है टॉस जीत सकती हैं, और वहीं पे अगर देखा जाए तो सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स जो है मैच जीत सकती है। ऐसा नहीं कहूंगी कि गुआना अमेज़न वॉरियर्स जो है मैच नहीं जीत सकती, अगर जीतती है तो 1 या 2 रन का डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि टक्कर का ये मैच होगा। अगर डाउनफॉल सेंट किट्स नेविस पेट्रोट्स को आएगा तो डाउनफॉल जो है गुआना अमेज़न वॉरियर्स को भी आएगा। अगर सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स जो है एक तरह से देखा जाए तो अपना ग्राफ उठाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पे गुआना अमेज़न वॉरियर्स भी ग्राफ उठाने का ज़रूर प्रयास करेंगी। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो दोनों ही टीम्स एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर देंगी, मगर हमारे प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग जो है सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स के जीतने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पेज पे भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और इसके अलावा यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज्योतिष से जुड़ा हुआ ज्ञान, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई प्रेडिक्शंस लेकर के आऊँगी मैं केवल मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक पे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।